नमस्कार दोस्तों, एचआरआई न्यूज पर स्वागत है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। सीएम योगी से विपक्षी दलों ने मांगा है इस्तीफा। क्या कुछ है मामला दोस्तों, हमारे साथ जानिए इस वीडियो में। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और वहीं कोरोना वायरस प्रबंधन पर योगी सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। वहीं इस बीच योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष हमलावर हो चुका है। आपको दोस्तों बताते चलें, विपक्ष ने योगी सरकार की कार्यप्रणाली और रणनीति पर सवाल उठाए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री योगी से इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश में हिंदू रीति रिवाजों को धता बताते हुए गंगा किनारे शवों को दफनाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने योगी सरकार को घेरा है, साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए यूपी कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी से अगर उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, अगर वहां महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद खराब है, लिहाजा सीएम को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी यहां पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हर रोज बिगड़ती जा रही है, कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं दोस्तों बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अगर योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चला पा रहे हैं उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो बिगड़ी है ही, कोरोना वायरस के मुद्दे पर भी सरकार यहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले निकलते आ रहे हैं और योगी सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। और इसी पूरे मुद्दे पर पूरे विपक्ष ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी से इस्तीफे की मांग की है। क्या दोस्तों आप लोग भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।